फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर जब वायर स्ट्रेट ना हो। देखो मैंने आपको एक रिजल्ट करवाया एफ इक्वल टू बी एल साइन 90 या बी एल साइन थीटा, लेकिन मैंने जो कंडक्टर लिया वो बिल्कुल स्ट्रेट लिया, मैंने तो टेढ़ा लिया ही नहीं। लेकिन हो सकता है आपकी वायर गोल हो सकता है उसमें लपेट रखी हो सकता है गोल गोल उसमें बाइंडिंग कर रखी हो, और हो सकता है आर्क हो। अब ये वायर मेरी आर्क है रेड कलर की, देख रहे हो ए से लेके डी तक। अब इसके अंदर अगर आप फॉर्मूला देखें वेक्टर फॉर्म में, एफ वेक्टर क्या था, आई इंटू एल क्रॉस बी, एल इज अ वेक्टर और एल वेक्टर का मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्टेंस वेक्टर तो होता ही नहीं, डिस्टेंस तो वेक्टर है ही नहीं। और अगर मैं इसकी लंबाई लूँ रेड कलर की वो डिस्टेंस है, पर मैं लंबाई लूंगा नहीं क्योंकि मुझे एल वेक्टर लगाना है, तो मैं क्या लूंगा इसकी डिस्प्लेसमेंट। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, अगर मेरी वायर टेढ़ी है तो शॉर्टकट ये है आप ए से लेके डी तक को ज्वाइन कर दें तो क्या हो जाएगी ए डी, क्या हो जाएगी इसकी डिस्प्लेसमेंट। अब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें, एफ इज इक्वल टू बी आई, लेंथ की जगह क्या पुट करेंगे, लेंथ ए डी और साइन ऑफ एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ए डी वेक्टर है ये, री ए डी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है और ये बी वेक्टर है। और ये ए डी क्यों ले रहा हूँ, डी ए क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि करंट रेड वायर में ऊपर जा रहा है तो ए डी वेक्टर लिया जाएगा। ए डी वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल कितना है 90 थीटा, तो बी आई एल साइन थीटा में लेंथ की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट जो कि कितनी है यहाँ पर ए डी। ठीक है, तो शॉर्टकट क्या है कि अगर आपकी वायर टेढ़ी मेढ़ी है आप स्टार्टिंग और एंडिंग के पॉइंट को ज्वाइन कर दें बस, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा, वहां से आंसर आ जाएगा। जैसे अगर आपकी ये वायर है, ये वायर में देख रहे हैं करंट घूम घूम के वापस वहीं पर आ रहा है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट पूरी वायर की क्या है जीरो, तो इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगी जीरो, ये डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, पूरे लूप के अंदर नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय लूप क्या होगा जीरो, कोई डाउट इसमें, मतलब इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी ये कहना चाह रहे हैं, कहना तो बात तो यही है इसके, हाँ नेट जीरो होगी, नेट जीरो होगी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक स्टूडेंट बोला सर ये बताओ इस एलिमेंट, अगर मैं इसका एक छोटा सा एलिमेंट लूँ एल वेक्टर, क्या इस पे भी फोर्स नहीं लगेगी, लगेगी बी आई एल साइन 90 लगेगी। और डायरेक्शन कहाँ होगी, डायरेक्शन के लिए बी वेक्टर बोर्ड के अंदर है, करंट इस तरफ है तो फोर्स कहाँ लगेगी नीचे। तो फिर वो बोला कि अगर मैं ये एलिमेंट हूँ एल वेक्टर तो फिर फोर्स कहाँ लगेगी, तो बी वेक्टर बोर्ड के अंदर है करंट इधर है, फोर्स कहाँ लगेगी ऊपर, तो पूरे वायर के एलिमेंट्स के ऊपर फोर्स लगेगी। पर प्रॉब्लम ये है कि सबका वेक्टर वेक्टर सम रिजल्टेंट क्या आ जाने वाला है जीरो, इसका मतलब ये है। पर हम इतना क्यों पढ़ेंगे, हमें तो अगर एक लूप दे दिया और करंट जहां से स्टार्ट हुआ खत्म वहीं पर हो रहा है, हम तो सीधा बोलेंगे कि नेट फोर्स क्या है इसमें जीरो। तो शॉर्टकट समझ में आ रहा है, पूरे लूप पे नेट फोर्स तो जीरो है पर एलिमेंट के ऊपर जीरो नहीं है। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन में ए से लेके करंट डी पर आया, डी से लेके घूम के वापस ए पे आया, पूरा लूप बना गया, जहां से करंट स्टार्ट हुआ खत्म वहीं पर हो गया, तो ए से स्टार्ट होके ए पे आ गया, कोई डाउट इसमें। अगर मैं ये पूछूं पूरे लूप पे नेट फोर्स क्या है, तो आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या है जीरो, क्योंकि करंट की नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है जीरो, जहां से स्टार्ट हो रहा है घूम के वहीं पर आ रहा है, तो पूरे लूप के ऊपर नेट फोर्स तो जीरो है। और अगर मैं ये पूछूं कि मुझे सिर्फ इस एडी वायर पे फोर्स बताओ, एडी वायर की लंबाई क्या है 2R, R प्लस R 2R, ठीक, तो एडी लेंथ की टोटल लंबाई क्या है 2R, करंट आई, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी बी आई एल की जगह 2R साइन 90, फोर्स की वैल्यू क्या होगी बी आई 2R साइन 90। और डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग का रूल, बी कैसी है बोर्ड के इनसाइड, करंट कैसी है मेरी तरफ, तो फोर्स कहां लगेगी ऊपर, तो फोर्स ऊपर की तरफ है। और अगर कोई ये कहे कि मेरे को तो आर्क के ऊपर फोर्स निकालनी है, तो अगर मैं ये आर्क की बात करूं तो आर्क अलग से बना लेता हूं, डी से लेके ए तक करंट लेफ्ट की तरफ जा रहा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, तो इसके ऊपर निकालनी है, तो मेरे को अभी शॉर्टकट सिखाया गया कि ये वायर तो टेढ़ी है आर्क है, और आर्क के केस में आपको सिंपली क्या ज्वाइन करना होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट। तो आपका डायग्राम सिर्फ डीए के लिए, जो डीए की फोर्स होगी वही आर्क की फोर्स होगी, यही शॉर्टकट सिखाया, क्योंकि आप टेढ़ी लेंथ तो लेते नहीं हो, आप तो डिस्प्लेसमेंट ले लेते हो, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट डी से लेके कहां तक चलेगी ए तक, तो आपका डायग्राम यही बनेगा बस।
आर्क की जगह ये बनेगा डी से लेके ए तक। और करंट लेफ्ट क्यों जा रहा है, क्योंकि करंट डी से कहां जा रहा है ए तक, तो यहां भी डी से लेके कहां जाएगा ए तक। तो आप आर्क के लिए सॉल्व करना चाहते हो और फोर्स निकालना चाहते हो तो आर्क की जगह उसकी डिस्प्लेसमेंट ले लो जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड 2R आएगी। ये स्टेप समझ में आया यहां तक, क्योंकि आर्क को लेनी नहीं है तो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट ले लेनी है जो कि डी ए आएगा। तो इसका डायग्राम ये बनेगा। तो इसमें करंट कहां है लेफ्ट, इसमें फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एफ इजिकल टू बी आई टू आर साइन 90, बी आई टू आर साइन 90, और डायरेक्शन फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, बी बोर्ड के अंदर है, करंट इधर है, फोर्स कहां लगेगी नीचे नीचे। इसका मतलब मैं ये समझ लूं कि अगर ये पूरा डायग्राम है, इस एलिमेंट पे फोर्स कहां लग रही थी ऊपर और इस एलिमेंट पे कहां लगेगी नीचे, मैग्नीट्यूड फोर्स का सेम है, तो नेट फोर्स क्या आ गई जीरो। तो मैंने तो पहले ही बोला था कि पूरे लूप के ऊपर तो नेट फोर्स जीरो आएगी, पर इंडिविजुअल वायर के ऊपर फोर्स जीरो नहीं होगी, इंडिविजुअल वायर के ऊपर, इसके ऊपर भी होगी और इसके ऊपर भी होगी। तो समझ में आ रहा है कि इसको लगाना कैसे है, ठीक है यहां तक। जैसे फिर एग्जांपल, इस बार ये करंट डी से चला ए तक और डी से चला ए तक, घूम के वापस नहीं आया। अगर ये करंट डी से घूम के लूप घुमा के वापस आ जाता तो पूरे लूप पे नेट फोर्स जीरो, इस बार जीरो नहीं है क्योंकि करंट यहां से चला लेकिन वापस नहीं आ पाया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, दोनों पे फोर्सेस होंगी और नेट फोर्स लूप पे बिल्कुल जीरो नहीं होगी। तो समझ में आ रहा है यहां तक, तो आपको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं ये वायर लेता हूं नीचे वाली, इसमें तो वैसे ही क्लियर है, ये एक स्ट्रेट वायर है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, बी आई लेंथ की जगह 2R साइन 90, और डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएं, बी वेक्टर कैसी है बोर्ड के अंदर, करंट कैसी है इधर, तो फोर्स कहां लगेगी नीचे, बी करंट नीचे, तो इसमें फोर्स नीचे लगेगी, कोई डाउट इसमें। और अगर मैं डी सी ए की बात करता हूं तो आर्क में तो काम करना ही नहीं, तुम डी और ए को सीधा ज्वाइन कर दो तो अलग डायग्राम बना लेंगे, मैंने डी से लेके ए तक ज्वाइन कर दिया और करंट लेफ्ट की तरफ है, तो आर्क की जगह ये डायग्राम बना दिया और इसके अंदर फोर्स का फॉर्मूला बी आई टू आर साइन 90 और डायरेक्शन बी वेक्टर बोर्ड के अंदर है, करंट इधर है, तो फोर्स कहां लगेगी नीचे। तो आप देख सकते हो इस स्ट्रेट वायर में फोर्स नीचे, इसके अंदर भी नीचे, कितनी, इसमें बी आई इंटू टू आर है और इसके अंदर भी बी आई इंटू टू आर है, तो दोनों नीचे की तरफ है, तो नेट आंसर क्या हो जाएगा इनको ऐड करके डाउनवर्ड्स, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, क्या लॉजिक है इसमें, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है जिसमें इंक्लाइंड प्लेन गिवन है और आपको एक वायर गिवन है, ये सिलेंड्रिकल वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, बस आपको पूरी वायर बोर्ड के अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है और इस वायर के अंदर करंट जा रहा है। क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड अगर 0.15 टेस्ला है तो वायर में कितना करंट हो ताकि वायर रेस्ट पे रहे, रिलैक्स करे, ऐसा हो नहीं सकता। वैसे आप खुद देखो, अगर ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है, डायग्राम ऐसा है, ये इंक्लाइंड प्लेन है और ये आपकी करंट कैरिंग वायर ऐसी है, ऐसे डायग्राम है ये, तो आपको ये डायग्राम कैसा दिख रहा है, इंक्लाइन दिख रहा है और आपको ये सर्कल भी दिख रहा है यहां से, जबकि सर्कल नहीं है, जबकि डायग्राम ऐसा है। तो ये इंक्लाइन प्लेन है और ये आपकी करंट कैरिंग वायर है। अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं, फ्रिक्शन तो है नहीं, इसने नीचे आना ही आना है, कितनी फोर्स से नीचे आना है, mg साइन 30, स्लिप होकर नीचे आ जाएगा। लेकिन क्योंकि इसमें करंट है, करंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, तो इट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स। दो केस हो सकते हैं। पहला केस, मान लो आप करंट को मानते हो मेरी तरफ है, ऐसे आ रहा है, मान लो इस वायर में करंट कैसे आ रहा है मेरी तरफ है, बी वेक्टर कैसे है ऊपर है, करंट कैसे आ रहा है मेरी तरफ आ रहा है, वायर पे मेरी तरफ है, तो फोर्स कहां लगेगी, इधर लगेगी, ऐसी लगेगी। देखो बी ऐसे है, करंट वायर में मेरे यहां पे आ रहा है, फोर्स लेफ्ट लगेगी और कितनी लगेगी बी, क्योंकि बी वेक्टर पेन के साथ 90 डिग्री पे है और लेंथ और बी 90 डिग्री पे है, तो बी आई एल साइन 90 लगेगी, तो ये फोर्स बी आई एल यहां लगेगी और मैं चाहता हूं कि यहां लगे,
वो इसलिए है क्योंकि 30-30 कॉरस्पॉन्डिंग है, BIL का एक कॉम्पोनेंट यहां चला जाएगा, BIL cos 30। देखो ना इसका कॉम्पोनेंट आ गया। तो मैं चाहता हूं कि एक फोर्स एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट आए जिसको बैलेंस कर जाए ताकि ये रॉड किस पे रहे, एट रेस्ट। तो अगर रेस्ट पे रखना है तो MG साइन 30 मस्ट बी इक्वल टू BIL cos 30। आपको इस क्वेश्चन में MGL ये सब कुछ गिवन है, बी की करंट की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। पर कई लोग ये सोचते हैं कि सर आपको कैसे पता लगा कि करंट अंदर ही होगा, करंट बाहर भी तो हो सकता था। चलो आपकी बात सुन लेते हैं। बी वेक्टर ऐसे है, मैं उल्टा मान लेता हूं करंट आपकी तरफ है, तो करंट आपकी तरफ तो फोर्स कहां लगेगी, इस तरफ। तो सोचो अगर आपकी फोर्स इधर ना लगे, इसकी जगह यहां लग जाए, तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट भी नीचे एक्ट करेगा, तो बचाएगा कौन नीचे गिरने से, ये तो खुद ही इसके साथ अटैच हो गया। तो मैं ये चाहता हूं कि फोर्स इधर ना लगे, फोर्स कहां लगे, फोर्स इधर ही लगे, ताकि इसका कंपोनेंट ऊपर उठ जाए और एमजी साइन थीटा को बैलेंस कर जाए। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या रूल लग रहे हैं इसमें, ठीक। जैसे ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में LLL तीन वायर्स हैं, एंगल 60-60 डिग्री है, मैग्नेटिक फील्ड राइट है मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो आपको तीन तारे गिवन है, आपको ओरिजिनल डायग्राम ऐसा गिवन होगा, आपको ये तो मैंने खुद बनाया है। तो आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, आपको क्वेश्चन में ये निकालना है कि तीनों वायर पे फोर्स क्या होगी। तो आप मेरे को इस चीज़ का आंसर दें, वायर नंबर वन लेते हैं, वायर नंबर वन की लेंथ किधर है, इधर है, एल वेक्टर करंट के साथ है और बी वेक्टर भी कहाँ है, राइट है। तो बताओ एल वेक्टर में और बी वेक्टर में एंगल कितना बन गया, जीरो। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, BIL साइन जीरो, जीरो। इसका मतलब अगर करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइंड है तो उस पर फोर्स नहीं लगेगी। जैसे चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ मूव करता है उस पर फोर्स नहीं लगती, ऐसी करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ है उस पर फोर्स नहीं लगती। तो आपके सामने ये क्यों नहीं लगती, क्योंकि एल में एल भी राइट है, बी भी राइट है, एल वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल क्या है, जीरो। कोई डाउट है इसमें, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, ये बताओ मुझे इसमें एल वेक्टर क्या होगा, क्योंकि करंट ऊपर जा रहा है तो एल वेक्टर भी ऊपर है, करंट के साथ जाएगा एल वेक्टर, और बी वेक्टर कहां पर है, राइट। तो बोलो एल वेक्टर में और बी वेक्टर में एंगल कितना बना, 120। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, BIL साइन 120। तो इस वायर में फॉर्मूला BIL साइन 120, इसके अंदर BIL साइन 0। थर्ड, इसमें करंट नीचे आ रहा है तो L वेक्टर, ये L वेक्टर है, B वेक्टर, ये B वेक्टर है। नहीं, मैंने यहां ठीक बोला था, BIL साइन द्वारा एक बार, इसमें L वेक्टर, हाँ ठीक है, ठीक बोला था, L वेक्टर और B वेक्टर, हाँ 120 ठीक बोला। इसके अंदर B, ये क्या है, L वेक्टर, ये क्या है, B वेक्टर। तो इसके अंदर भी L वेक्टर और B वेक्टर में एंगल क्या है, 120। तो BIL साइन 120, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि फोर्सेस कैसे निकलेंगी, सारी गेम एंगल निकालने की है, एल वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल देखने हैं, और एल वेक्टर बी वेक्टर में, एल वेक्टर जो होता है वो करंट के साथ जाए। कोई डाउट इसमें, ठीक है यहाँ तक।